खुद का सम्मान न करना डिप्रेशन का कारण, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आते हैं और उनको बहुत सारे वीक सिम्टम रहते हैं, जैसे निराश है, हताश है, ये तो रहते ही है, और इसके अलावा बॉडी में दर्द है, फिर उनको बार बार ऐसा बुखार जैसा लगता है। एक्चुअली बुखार नहीं लगता है, रहता है मगर लगता है कि बुखार है। बॉडी में दर्द है, सिर दर्द हो रहा है, भूख नहीं लगती है, सर्दी जुकाम होता है, और उनको लगता है कि अपन बीमार है। और फिर बोलते हैं नहीं नहीं मेरी है ना प्रतिकार शक्ति कम हो गई है, मुझे ना कोरोना हो गया था और कोरोना से फिर उसके बाद में जरा मैं वीक हो गया हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ बोल देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो निराशा है, हताश है, इसके पीछे एक तो कारण है कि आपकी आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है। एक हो सकता है कि आपके आपसी संबंध में कुछ मतभेद आए, रिश्ते खराब हो गए। दूसरा है कि फाइनेंशियल मैटर है, फाइनेंस में आप गड़बड़ी कर रहे हो, उसमें जरा बहुत टेंशन चालू है, स्ट्रेस है फाइनेंशियल। और तीसरा जो है, जो काफ़ी लोगों में दिखाई देता है, वो है कि सेल्फ रिस्पेक्ट ना करना, खुद का सम्मान ना करना, खुद को बहुत पीटना, खुद को मारना, खुद को गिल्टी महसूस करना, खुद का अपमान करना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने बहुत गलती किया है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना वो है। अरे भाई, मैं बोलता हूँ कि आप इतने साल से आपका बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास में कुछ कलाकारी है, प्रोफेशनलिज्म है, आपने व्यवसाय किया हुआ है, आप पैसे की कमाई की हुई है, आपने अपना अपनी फैमिली चलाई हुई है, आपने सब तो किया है, फिर कोई झटका बैठ गया, कुछ तो भी हुआ, और फिर आप अपने आप को क्यों मार के ले रहे। दूसरा और एक होता है कि भाई हमको लोग अच्छे दिखते हैं, लोगों की गाड़ी अच्छी लगती है, लोगों का मकान अच्छा लगता है, लोगों का दुकान अच्छा लगता है, लोगों के बच्चे अच्छे लगते हैं, है ना, मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों, ऐसा भी लगता है, मेरा जो है वो ठीक नहीं है, सामने वाले का ठीक है, ऐसा लगता है। तो इसमें होता क्या है कि हम खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद का सम्मान नहीं करते, आत्मसम्मान नहीं करते, आपका जो एजुकेशन है उसका सम्मान नहीं करते, आपका जो एक्सपीरियंस है उसका सम्मान नहीं करते, आपने जो भी अभी तक किया है उसका सम्मान नहीं करते, उसको एक्नॉलेज नहीं करते। दूसरा कुछ तो भी करेंगे जिसमें आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो करने जाएंगे, उसमें फेल होंगे, फिर वह देखो मैं फेल हो गया, फिर अपने आप को मारेंगे। तो इससे अच्छा यह है कि आपने जितने साल कोई एक आधे प्रोफेशन में बिताए हुए है वो ना छोड़ के, वो आपका, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उसको पकड़ के रखना है, उसको नहीं छोड़ना है। टाइम मिला तो बाकी करो एज ए हॉबी, मगर अभी आप वो छोड़ेंगे जिसमें आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और फिर भलते ही कुछ तो भी नया पकड़ेंगे, वहाँ मार खाएंगे, क्योंकि नया कुछ तो भी करेंगे तो 10 में से 9 धंधे बंद होने वाले हैं, फिर वहाँ भी मार खाएंगे, देखो फिर मेरा तो ऐसी है, फिर और डिप्रेशन। मेरा मैसेज इतना देना है कि खुद का रिस्पेक्ट करो, खुद का एजुकेशन, खुद के पास में जो है, मकान है, परिवार है, हेल्थ है, उसको एक्नॉलेज करो, आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया इतने साल उसको एक्नॉलेज करो, आपने जो जिंदगी बिताई हुई इतने साल उसको एक्नॉलेज करो, विपरीत स्थिति में आपने एजुकेशन लिया होगा, विपरीत स्थिति में आपने अपना परिवार का परिवार की देखभाल की होंगी, तो ऐसे इसमें आपने खुद को रिस्पेक्ट देना है, खुद का सम्मान करना है, खुद के ऊपर प्यार करना है, गिल्टी रह के अपराध बोध की भावना रख के यदि मारेंगे खुद को तो बहुत बीमारियां होती है बदन की, लगता है कि शारीरिक बीमारी है, डॉक्टरों की तरफ घूमते रहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि लो बीपी है, सलाइन लगाएंगे, टॉनिक्स की गोलियां देंगे, होने वाला कुछ नहीं है। जब तक आपकी मनस्थिति ठीक नहीं होती तब तक आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो ठीक होने वाली नहीं है। तो मनस्थिति ठीक हो, ठीक करो, मनस्थिति सुधारो, और उसके लिए फिर जो मैंने भी बताया कि भाई खुद को क्रिटिसाइज करना, मतलब खुद की आलोचना करना, खुद को नीचा बताना, अपने मन में अपने को उतार देना, अपराध बोध की भावना रखना, अपना रिस्पेक्ट ना करना, अपने ऊपर प्यार ना करना, ये सब बंद करके अपने ऊपर प्यार करना चालू करो, खुद का सम्मान करो, ताकि आप अच्छे से जी सकोगे, खुशी से जी सकोगे, आपको मन शांति मिलेगी, आनंद आएगा, और सभी तरह की बीमारियां निकल जाएंगी। यदि आपको
हमारे यहाँ कंसल्टेशन करना है केड़कर हॉस्पिटल में, तो नीचे लिंक दी हुई है, वो लिंक के ऊपर आप नाम में मात्र 150 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। केड़कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे और आपको ज़रूरत के अनुसार मेरे से बात करके दवाइयाँ रवाना करेंगे। दवाई आपको जब मिल जाएंगी तब आपने पेमेंट करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।